नवरात्रि आने वाली है फ्रेंड्स, तो इस नवरात्रि में बनाइए बहुत ही टेस्टी और आसान से साबुदाने का चीला और साबुदाने का कटलेट। साथ में बनाएंगे मूंगफली का चटनी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक गुप्ता क्रिएटिव रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। साबुदाने का चीला बनाने के लिए मैंने आधा घंटा पहले साबुदाने को भिगो कर रख दिया था। आप चाहे तो साबुदाने को पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। और 4 चम्मच मैंने समा का चावल लिया है, इसको पहले भिगो कर रख दिया था। तो चलिए अब सभी को पीस लेते हैं। इसी में समा का चावल भी डाल लेंगे। अगर आप अदरक इसमें डालना चाहते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर महीन पीस लेंगे। साबुदाना भी हमारे अच्छे से पीस गया है, तब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जार को भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने साफ कर लिया है। तो अब इसमें दरदरा मूंगफली का पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। स्पाइसी बनाने के लिए बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 से 2 उबला हुआ आलू डाल देंगे, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और 2 से 3 चम्मच सिंघाड़े काटा डाल देंगे या कुटू काटा डाल लीजिए। ये डालना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, तभी आपका चीला सही से बन पाएगा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रखना है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन में घी या तेल अच्छे से फैला लेंगे, जो भी आप व्रत में खाते हैं। अब कलछी की सहायता से 1-1 चम्मच डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरह से, ज़्यादा फैलाना नहीं है। चीला को लो आँच पर सेकने देते हैं, तब तक हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली लिया है, इसको मैंने भून कर इसके छिलके उतार लिया है। अब इसमें हम नारियल डाल देंगे। तो मैंने सूखा नारियल को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहते इसकी जगह फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। स्वाद अनुसार व्रत का नमक डाल देंगे और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ डालना पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नारियल के साथ पानी भी था तो इसलिए मैंने नहीं डाला है, तब हम इसे बारीक पीस लेते हैं। ये हमारे मूंगफली और नारियल की चटनी बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। तो आप एक बार इस चटनी को जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही पसंद आने वाला है सभी को। चीला के ऊपर का अच्छे सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको आप पलट लेते हैं। चीला को गोल्डन होने तक उलट पलट कर सेक लेंगे। तो ये हमारे एक चीला बन के तैयार हो गया, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो बाकी का भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। चीला भी हमारा बन गया है, तो अब हम आलू का दही कट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही लिया है और उबला हुआ आलू लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिया है, इसमें डाल लेंगे। आलू को दही में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें व्रत का नमक डाल देंगे और 1/4 जीरा पाउडर डाल देंगे। तो ये हमारा दही वाला आलू कट बहुत ही टेस्टी लगता है चीला के साथ। चीला के साथ खाने के लिए दोनों तरह का चटनी तैयार हो गया है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए अब साबुदाना कटलेट तैयार कर लेते हैं। कटलेट बनाने के लिए 1 कटोरी भीगा हुआ साबुदाना लिया है। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं, जिससे आसानी से सारे चीज़ों अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे, भुना हुआ 3 से 4 चम्मच मूंगफली डालेंगे। और बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं सिंघाड़े का आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कुटू का आटा भी डाल सकते हैं। और स्पाइसी बनाने के लिए बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें कुटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और व्रत का नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिश्रण भी बिल्कुल तैयार हो गया है, तो चलिए अब कटलेट बना लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरह से गोल करते हुए दोनों हाथ से चिपका लेंगे। और आप इसे कोई भी शेप में दे सकते हैं। तो ये हमारा एक कटलेट तैयार हो गया है, बाकी का भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। कटलेट भी तैयार हो गया है, तो अब हम इसे सेक लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारे लोग होते हैं जिसे डीप फ्राई नहीं करते हैं। तो फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। अब हम इसमें 1-1 करके कटलेट डाल लेते हैं। कुछ देर हो गया है, तो सभी को पलट लेते हैं। तो इसी तरह से हम उलट पलट कर मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक पका लेंगे। तो ये कटलेट भी हमारा बहुत ही अच्छे से सिक जाता है। बिना फ्राई किए हुए ये हमारा साबुदाना कटलेट तैयार हो गया है, तो हम निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। व्रत का दोनों तरह का नाश्ता तैयार हो गया है, तब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा नाश्ता बहुत ही जल्दी और आसानी से बन के तैयार हुआ है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसे और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसी लगे मेरी आज की रेसिपी।
और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो साइड में छोटी सी घंटी है उसे भी प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एसवी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।